चैनल गुड गुड वर्क में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं SGMHMR बोर्ड की एक छोटी सी एल शेप किचन का वीडियो, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली हैं। गाइस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको अपनी किचन के बारे में सभी प्रकार की जानकारियां आसानी से मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियोस का अपलोड और नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी मॉडलर किचन, जो छोटी सी किचन है, वो तैयार हो चुकी है। ये हमने सेक्शन दिया है बॉक्स का। ये हमारी चिमनी है, इस पे हमने कवर लगा दिया है आगे। ये हमारा एल शेप का पल्ला है। इसमें हमने गाइस बर्तन का जो स्टैंड होता है बर्तन के लिए, कटलरी वगैरह के लिए, ये हमने इसको बना दिया है। मार्केट में गाइस ये हमें बर्तन का स्टैंड लगा दिया है। इसमें हमें मार्केट में जो है स्टैंड मिलता नहीं है एक्वेरियम साइज का, तो उसमें उसको हमने करने के लिए इसको काटा है, तब इसको हमने इसमें लगा दिया। ये डस्टबिन पोर्शन है, इसमें हमने पहले जो ड्रॉर लगाई है वो शीट कटलरी के लिए लगाई है। इसमें आपके छोटे आइटम वगैरह हम आपको सारा कैरी कर सकते हैं। गाइस ये 4 इंची प्लेन बेस है बास्केट, और एक हमने बड़ी बास्केट दी है 6 इंची। गाइस ये देखिए, ये हमारी एल शेप की किचन है, जो काफी छोटी इसमें एल थी, तो हमने एक सिलेंडर का एक यूनिट है जो इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है। हमने इसका साइज को थोड़ा बढ़ा दिया है, इसमें हमारा सिलेंडर वगैरह या टब वगैरह रह सकता है, आटे का ड्रम वगैरह आप रख सकते हो। गाइस ऊपर हमने, आप देख सकते हैं, आपको ये पैनल लगा हुआ दिख रहा है, इसमें हमने चिमनी के पाइप को कवर कर दिया है पूरी तरीके से। गाइस आप देख सकते हैं, ये हम एक नीचे का मॉडर्न किचन का नीचे का बॉक्स बना रहे हैं। इसको एल शेप में बनाया है हमने। ये हमने 1 फुट का यूनिट लिया है, क्योंकि हमारे पास जो जगह है वो 4 फुट ऐसे है और 6 फुट ऐसे है। ये यूनिट हमने स्टील बास्केट के लिए लिया है, इसमें 3 बास्केट आएंगी। ये हमारा एल कॉर्नर हो गया और ये हमारा छोटा बॉक्स। गैस ये SGMR बोर्ड में बन रहा है, जिसमें कि आपको प्रॉपर तरीके से ये वाटर प्रूफ होगा और आपको कीड़ा प्रूफ भी होगा, कीड़े की प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है, इसलिए हम इसे ज़्यादातर प्रेफर करते हैं किचन वगैरह में। Thank you.
गाइस ये देखिए, ये हमारी किचन है 6x5 की, हमारी एल शेप की छोटी सी किचन का व्यू है। आप देख सकते हैं ये हमने एक सिंगल बॉक्स लगाया है, यहाँ ये चिमनी का स्पेस छोड़ दिया है हमने, इसको हम 25 इंची छोड़ते हैं, 24 इंची की हमारी चिमनी होती है। नहीं, अगर तो 25 इंची हम लोग ये छोड़ते हैं कर पाइप तक, इसके बाद में हमारा टाइप का इसमें पाइथन करते हैं, तो बॉक्स है तो पाइथन 3 किया हमने, तो 3.8 किया, इसे हमने 3 भाग में डिवाइड करेगा तो वो फुल डिपेंडेंसी तो अपने आप उठा लेगा। हुआ गाइस इसमें हमारा पहला स्टैंड आएगा, इसको हमने नीचे से कटिंग किया हुआ है, ये बर्तनों को आप रख सकते हैं जिसका पानी आपका सिंक में नीचे गिरेगा। ये किचन 5 अंडे को हमने इसमें 1.5 फुट और ऐड कर दिया है, एक बॉक्स लगाया है क्योंकि हमारे पास ये बहुत छोटा एल आ रहा था जिसमें कि प्रॉपर हमारा सिलेंडर और बॉक्स वगैरह कंप्लीट नहीं आते, इसके लिए हमें स्पेस था हमारे पास, तो हमने यहाँ पर देखिए बॉक्स ऐड कर दिया जो कि हमारा सिलेंडर बॉक्स हो जाएगा। ये हमारा सिंक है, यहाँ पर हम इसे फ्रेमिंग करेंगे, ये दो सीटिंग का एरिया है और इसको डोर से कवर। अरे मान लो मेरी गाइस देख सकते हैं, ये हमारा आयरन किचन का कवर तैयार हो गया है, इसमें हमने 3 कटलरी लगा दी है, ये पहली ड्रॉर है इधर देखो ना, पहली जो ड्रॉर है ये है शीट कटलरी की, इसमें आप छोटा सामान वगैरह रख सकते हैं। दूसरा हमने गाइस यहाँ पर ज़्यादा स्टोरेज आ सके बर्तनों का, इसलिए हमने 4 इंची का प्लेन दिया है। तीसरी हमने आपको 6 इंची का प्लेन बास्केट दिया है, इतने बड़े से बड़े ज़्यादातर सामान को हम कैरी कर सकें। ये हमारा डस्टबिन का एरिया है, सिंक के नीचे वाला एरिया, इसमें हमारा डस्टबिन वगैरह आएगा। गाइस ये हमने सिलेंडर के लिए अलग यूनिट बना दिया है क्योंकि हमारी किचन काफ़ी छोटी है और एल जो साइज़ है उसका बहुत कम है, इसलिए हमने ये अलग बॉक्स बना दिया सिलेंडर के लिए। ज़्यादा नीचे